दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौहान और आप देख रहे हैं चैनल डी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सोमवार को शहर के अटल पार्क में देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर पार्टी के विधानसभा प्रभारी नरेश कटारिया, भूराराम डूडी, मंडल अध्यक्ष जसवीर सिंह चहल, महासचिव ब्रह्मानंद शर्मा व शमिंदर सिंह कंबोज, महिला नेत्री निताशा सिहाग, पार्षद वेद सैनी, हेमलता व्यास व पूर्णिमा शर्मा, पूर्व पार्षद ईशा सिंगला, डॉक्टर विजय गर्ग, रमेश कुमार सुरजाराम, राजेश कनवाड़िया, मनोज चोटिया, विजय शर्मा, हंसराज नीमला, राजीव वधवा, अनिल भादू, राम किशन कंबोज, देवेंद्र गोयल, पूर्व पालिका सचिव सुरेंद्र शर्मा, रिंकू रखड़ा, वेद प्रिय गुप्ता व संजय सारस्वत के अलावा कई वार्ड पार्षद प्रतिनिधि व अन्य गणमान्य जन भी मौजूद थे। कार्यक्रम के संयोजक नगरपालिका के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र कुमार लड्डा व सह संयोजक पार्षद संदीप घोड़ेला थे। कार्यक्रम में मंच संचालन जितेंद्र शर्मा ने किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उन्हें कवि हृदय, सच्चा राष्ट्रभक्त और जन नेता बताया। वक्ताओं ने कहा कि राजनीति में होने के बावजूद भी अटल बिहारी वाजपेयी का कोई शत्रु नहीं था। उन्होंने विपक्षी दल का नेता होने के बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र संघ में तत्कालीन भारत सरकार का मजबूती से पक्ष रखा था। उन्होंने कभी नैतिकता से समझौता नहीं किया। जब वे पहली बार प्रधानमंत्री बने तो केवल एक वोट की कमी के चलते उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। उनके कार्यकाल में ही भारत दूसरी बार परमाणु शक्ति से संपन्न हुआ था। कार्यक्रम में गायक रामनिवास रसिया ने अपनी मधुर वाणी में देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया। वहीं स्कूली बच्चों ने अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित कविता, व्याख्या व प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य अमीर चंद मेहता ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। वयोवृद्ध रामलाल मेहता ने अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में एक कविता कही। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे के गगनभेदी नारे भी लगाए। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, भारत जनता पार्टी जय हो, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। आज एलनाबाद के अंदर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने के लिए यहाँ अटल पार्क में सब एलनाबाद के हमारे चेयरमैन रहे नगरपालिका के रविंद्र लड्डा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जसवीर जी, ब्रह्मानंद जी, संदीप घुड़ेला जी, भूराराम डूडी जी, कटारिया जी, हंसराज जी, हमारे विस्तारक सोनलाल जी भी आए हुए हैं और सभी कार्यकर्ता, डॉक्टर विजय जी, सब कार्यकर्ता इकट्ठे होके यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई है। और उसी जो उन्होंने कहा उसी विचारों पर चलने के लिए सभी ने निर्णय लिया। अभी जिस तरह वाजपेयी जी ने देश को आगे बढ़ाया उसी संकल्प में, चाहे वो सफाई अभियान के काम थे चाहे वो दूसरे काम पे, सब ने सब लड्डू बांट के उनकी खुशी जताई और उनकी जयंती मनाई। माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो आज जन्मदिवस था, उस मौके पर उनका एक तो मुझे नारा याद आ रहा है, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान, जिससे उन्होंने शुरुआत की और भारत को सब चीज़ों में आगे ले जाने की जो उन्होंने हमारे देश के लिए नींव रखी और उस काम को आगे बढ़ाने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो सहयोग किया है और लोगों को, वंचित लोगों को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं और सरकारी क्षेत्र में नौकरियाँ और प्राइवेट क्षेत्र में जो कार्य लोगों को आर्थिकता के रूप में मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं, वो हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है और हम उनका बहुत ही तह दिल से उनको याद रखेंगे। भारत रत्न उनको प्राप्त हुआ और देश के इतने योग्य इंसान थे कि कभी भी उन्होंने भेदभाव के लोगों के साथ न्याय के साथ कार्य किया और इसके लिए उनको हमेशा से अच्छे कार्यों के लिए हमेशा से याद किया जाता रहेगा। धन्यवाद। आज हमारे भारत रत्न माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस है, जिसे पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पूरे हर बूथ के ऊपर उनके चित्र के आगे पुष्प अर्पित करके
और सफाई वगैरह कार्य करके उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस पर एलनाबाद में पूरे बूथों के ऊपर कार्यक्रम करने के बाद हमारे जो संयोजक बने हैं इनके रवि लड्डा जी और संदीप गुडेला जी, इन्होंने पूरे एलनाबाद के अंदर बूथों पे कार्यक्रम करके लास्ट के अंदर हमारे अटल पार्क के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं आज उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपना श्रद्धे सुमन श्री अटल बिहारी वाजपेयी को अर्पित करता हूँ। आज हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 99वीं जयंती थी, तो उसका कार्यभार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे संयोजक के तौर पर श्री रविंद्र जी लड्ढा और मुझे सह संयोजक के रूप में कार्यभार दिया। तो पूर्व प्रधानमंत्री जी के जो एक्सेप्टेबिलिटी है पूरे हमारे पूरे देश में है, और आज यहाँ पर बहुत सैकड़ों की संख्या में अटल पार्क के अंदर उनकी 99वीं जयंती मनाई गई, और जिसके अंदर बहुत सारे हमारे प्रतिभागियों ने भाग लिया। कुछ लोगों ने उनको देशभक्ति गीत गाकर और कुछ लोगों ने काव्य रचनाएं उनकी गाकर उनका पुष्प श्रद्धांजलि उनको अर्पित की। तो मैं पूरे शहरवासियों का भी अभिनंदन करता हूं, और हमारे प्रधानमंत्री जी का हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान था। अगर परमाणु के क्षेत्र में भी उन्होंने एक बहुत बड़ा हमारे को एक परमाणु राष्ट्र के रूप में विकसित किया, और आर्थिकता की बात की जाए तो उन्होंने एक आर्थिकता के आधार पर भी देश को बहुत आगे ले जाने का काम किया, तो उनका एक बहुत बड़ा एहसान इस देश पर था। तो इसलिए आज हमारे खुले तौर पर हमारे पूरे शहरवासियों ने यहाँ पर अटल पार्क के अंदर उनकी ये श्रद्धांजलि उनको अर्पित की और पुष्प अर्पित किए। तो शहरवासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने जनगण यहाँ पर पधारे हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी का जन्मदिन है। उनका जीवन काल बहुत ही संघर्ष में रहा और उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत शिक्षक के रूप में की, फिर उन्होंने आरएसएस के प्रचारक के रूप में की, फिर 1952 के अंदर जनसंघ से जुड़ के पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनके नेतृत्व में जनसंघ आगे बढ़ता रहा और 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की, और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उन्होंने 1996 के अंदर भाजपा की सरकार बनाई, और उसके बाद 1998 के अंदर पूर्ण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने पर उन्होंने पोखरण के अंदर परमाणु आविष्कार किया, जिसमें हमें हमारे विश्व में उन्होंने डंका बजवाया, और उनके नेतृत्व में और भी बहुत सी कार्यकारिणी योजना विकसित हुई, और उनके आज जन्मदिन पर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रोग्राम हो रहे हैं।